raheem assalamu alaikum welcome to Dan public school and college grade 7 this is your english class unit number one and lecture number one today we are going to start unit number one bad in summer written by Lewis robert louis stevenson this is a poem and you know poem is a piece of writing in which the words are arranged in chart lines विच रॉम्स और हर एक पोएम में ये जो लाइन्स होती हैं या वर्सेज होती हैं ये मिल के एक स्टेंजा बनाती हैं जिसे उर्दू में बंद कहते हैं बैड इन समर में थ्री स्टेंजाज हैं और हर एक स्टेंजा में फोर लाइन्स हैं जो कि रैम हैं बिफोर स्टार्टिंग दूनट लेट्स नो अबाउट द पोइट एंड द पोएम दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टेवनसन हु वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कॉटिश पोइट्स Of the last part of the 19th century. In this poem, Bed in Summer, the poet talks about the feelings of children who find it hard to go to bed in summer early because they want to enjoy playing and seeing things around. Let's start the reading of the unit, Bed in Summer, by Robert Louis Stevenson. In winter, I get up at night and dress by yellow candlelight. In summer, quite the other way. I have to go to bed by day. I have to go to bed and see the birds still whooping on the tree, or hear the grown-up people's feet still going past me in the street. And does it not seem hard to you when all the sky is clear and blue, and I should like to so much to play? टू हैव टू गो टू बैड बाई डे यहाँ पर आपकी रीडिंग खत्म होती लेट्स मूव टू द होमवर्क आज का होमवर्क आपका ये है कि आपने अपनी कापी को पर यूनट नंबर वन और यूनिट का टाइटल देकर रेडी कर लेना है और आपने अपनी कापी पर यूनट की थीम लिख लेनी है यूनिट के टाइटल के नीचे ही आपने यूनिट की थीम लिख लेनी है जो कि आपको पीडीएफ फाइल में मैं सेंड करूँगी इसके अलावा आपको मैं सलेबस भी इंग्लिश ए और बी का सेंड करूँगी जो कि आपने अपनी इंग्लिश ए की का आपने अपने नाम के बाद नेक्स्ट पेज पर इंग्लिश का पूरा सिलेबस जो है वो आपने लिखना है इंग्लिश ए के सिलेबस में आपका फर्स्ट टर्म की हेडिंग दें और फर्स्ट टर्म की हेडिंग के नीचे आप लिखेंगे यूनिट नंबर वन टू थ्री फोर और इंग्लिश बी के पोर्शन में आपने जो चीज़ें पढ़नी हैं वो भी आपने फर्स्ट पेज पर मेंशन करनी है ये आज का आपका होमवर्क है थीम कापी पर लिख लें और उसके बाद इसको याद कर लें थैंक यू वेरी मच